अरे इतने सारे पैसे, आज तो लॉटरी लग गई, चलो इसी खुशी में गोलगप्पे खा लेते हैं। यार गोलगप्पे खिलाओगे? हाँ क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। बनाना नहीं आता का, इतना कड़वा है? क्यों, क्या हुआ भैया? हमने तो सही बनाते हैं यार भैया। अच्छे थे, ये ले। पागल है क्या बनाया है इतना नमक? साले गरीब ऐसे बनाते हैं यार भैया, हमने तो अच्छा बनाया था, लोग हमारी चाट की बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा बनाया था, ये ले। अच्छा अरे इतने सारे पैसे, ये किसके हैं? यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। अच्छा ये चाट वाले भैया से पूछते हैं, शायद इनका हो। भैया ये पैसे आपके हैं का? हाँ भैया हमारी हैं। भैया लो वहाँ पर हमको मिले थे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया मैं अपनी गरीबी को देखकर ये पैसे रख भी सकता था, लेकिन भैया मैंने सोचा फ्री के पैसे लेकर क्या करूँ। आज के जमाने में तुम्हारा ऐसा इंसान कहाँ मिलता है भैया यार, बहुत आप ईमानदार हो यार। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? भैया मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए, तो देखते हैं सर नौकरी मेरी लगी जाए। भैया मैं दुआ करूँगा आपकी नौकरी लग जाए। ठीक भैया दुआ करते हैं, धन्यवाद भैया। भाई इंटरव्यू के लिए आया इधर? जी भाई। भाई इधर हम लोग मैनेजर की पोस्ट के लिए बैठे हैं, चपरासी की पोस्ट के लिए नहीं बैठे हैं। आप लोगों को सर ने बुलाया है। बैठिए। अरे रुक, मुझे बैठने के लिए बोला है। मुझे बोला है बैठने। अरे मुझे बोला है। अरे मुझे बोला है भाई। अरे मुझे बोला है। अरे मुझे बोला है भाई। ओ हेलो, मैंने तुम दोनों में से किसी को नहीं बोला है, उसको बैठने को बोला है। आप बैठिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम पहले से सेलेक्ट हो। सर इंटरव्यू? इंटरव्यू तो पहले ही हो गया। पर सर पहले कब हुआ इंटरव्यू? क्योंकि जो रास्ते में पैसे तुम्हें मिले थे वो हमने रखे थे, और तुम लोगों ने उसे चुपचाप रख लिया, और इसे देखो इसने वो पैसे लाके मुझे वापस किए, तो इसे जाहिर होता है कि ये बहुत ईमानदार है और ये जॉब के लिए परफेक्ट है, तो तुम लोग जा सकते हो। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये नौकरी हम लोगों को दे दीजिए ना, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है इस नौकरी की। देखो नौकरी उसे मिलती है जो नौकरी के लिए डिजर्व करता है, और ना कि उसे जिसे ज़रूरत होती है, और ये नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो तुम लोग जा सकते हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे नौकरी दी। अरे धन्यवाद की क्या बात, मैंने तुम पे कोई एहसान तो किया नहीं, तुम इस नौकरी के बिल्कुल परफेक्ट हो।